गुड मॉर्निंग भाई और बहनों और मेरी माता, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज है 12 दिसंबर, 10 बजने में सिर्फ एक मिनट है, तो मैंने जस्ट अभी अपलोड कराया व्लॉग। पता नहीं आ गया होगा शायद व्लॉग, तो पता नहीं आज क्या हुआ, वाईफाई के स्पीड में बड़ी दिक्कत आ रही है, चल के नहीं दे रहा। बहुत मुश्किल में अपलोड हुआ है ये आज व्लॉग। तो अभी मम्मी ने मुझे कुछ काम वाम बताया यार, वो काम कर दूं। मैं यहाँ व्लॉग अपलोड कर रहा था और मम्मी उधर से डांटे जा रही थी कि काम कर काम कर। अब मैं जल्दी से काम वाम निपटा के फिर अपने काम देखूंगा। इस कट्टे को ऊपर रखना है, क्या है इसमें, गेहूँ। तो मम्मी शायद यहाँ गेहूँ वेहूँ साफ कर रही हैं। अब ये कट्टा मुझसे मंगाया है, अब नीचे जा रहा हूँ एक और काम करना है, पता नहीं क्या। तो अब ये तिरपाल उठवा के ऊपर रखवाना है, यहाँ पे फोल्ड होके ये ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि पापा तो आज शायद बाहर गए हैं, नोएडा गए हैं शायद वो। तो अब हमें करना है ये काम। लो भाई देख लो इसके अंदर क्या था, तिरपाल भी उठवा दिया। अब ये हैं हमारे शेर, पालतू शेर। ये शेर नहीं है, ये भी शेर नहीं है, ये भी है, बस ये है एक शेर, वो सारी शेर नहीं है। और इसके अंदर ये इसके बच्चे हैं, ये भी हाल ही में नहीं है। तो बस मेरा काम तो खत्म यार, अब मैं देखता हूँ अपना जाके व्लॉग आ गया होगा। भाई और बहनों व्लॉग तो आ चुका है और व्लॉग मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। खैर मुझे तो अच्छा लगेगा ही, पर आप एक बार देखकर बताना, मतलब जो मेरी गलतियां होती है यार वो बता दिया करो मुझे कमेंट्स में, तभी तो मतलब मुझे पता लगेगा कि कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगता ही है अपना व्लॉग। आप भी मुझे कमेंट्स में बता दिया करो कि ये कमी है या फिर ये दिक्कत आ रही है, अभी ये प्रॉब्लम है, तो मैं उन कोशिश करूंगा कि आगे से नॉट रिपीट करूँ मैं। तो गाइज व्लॉग तो मैंने देख लिया है अपना, और अब यार इसकी आईफोन की जिससे मैं शूटिंग कर रहा हूँ इसकी बैटरी लो हो चुकी है, क्योंकि सुबह 5 बजे से मैं व्लॉग एडिटिंग में लग रहा था, तो मैं से चार्जिंग पे लगा के थोड़ा नीचे कुछ यार काम से निपटा के आ जाऊँ। काम क्या, अपनी डाइट वाइट लेके आ जाऊँ। अभी अभी रिकॉर्डिंग फिनिश करी है मैंने, ये रहा मेरा माइक। और रिकॉर्डिंग करने के बाद अब मैं थोड़ा यार आज जल्दी नहाना पड़ेगा यार, एक शादी है तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ। गाइज मैंने आपको बताया था ना कि मतलब कैमरा देखते ही ये पागल सी हो जाती है एकदम, तो ये बहन और मम्मी भी मतलब थोड़ा सा मतलब डर से जाती है एकदम से कैमरे, मतलब मैं ऊपर से आया था अभी, ये उधर बैठी थी और एकदम से इतनी जल्दी ये ब्लैंकेट में पड़ी है। तूने मुझे सोते हुए उठाया, झूठ मत बोल। अब आइए उठ के। तो गाइज शादी के लिए तैयार हूँ मैं बिल्कुल, और अभी निकल रहा हूँ, बहुत लेट हो रहे हैं और मैं जा रहे हैं शादी में। और भाई कौन सा मंडप है, राधा गोविंद मंडप है, ये थोड़ा यहीं पड़ता है हापुड़ अड्डे साइड, यहाँ से घर से 5-6 किलोमीटर होगा ना भाई, 3-4 होगा। अच्छा 3-4 किलोमीटर है यहाँ से। अभी शादी के लिए गिफ्ट पैक करवा रहे हैं, ऑलमोस्ट पैक हो ही गया है गिफ्ट। शादी में आने के बाद भाइयों से मुलाकात हुई है, तो ये घर के पास ही रहते हैं पर यहीं शादी में मिले हैं। मेरे एडवाइस चैनल है यूट्यूब पे सर्च करना, ठीक है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब जरूर करना भाई, हंसी के कंटेंट देखने के लिए उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना जरूर। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ इस भाई के चैनल की, आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस शादी वगैरह तो अटेंड कर लिए, 2-3 घंटे लग गए हमें यहाँ पे, और अब सीधा घर जा रहे हैं। तो गाइस शाम के 6 बज रहे हैं और जस्ट अभी अभी घर पहुंचा हूँ मैं। शादी से निकलने के बाद मैं घर तो नहीं आया था यार, खेलने चले गए थे, वो जो कल आपको यूनिवर्सिटी दिखाई थी ना, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, उसमें खेलने चले गए थे वॉलीबॉल, तो आज मैंने भी खेला। अब खेलने के चक्कर में ब्लॉग तो मैं शूट नहीं कर पाया और उसके लिए सॉरी। अब मैं जा रहा हूँ अपने लिए पनीर लेने, और मम्मी का जो आज सुबह गेहूँ ये सुखा रही थी उन्हें चक्की पर रख के आना है, तो मैं जल्दी से इन कामों को ख़त्म करने के बाद वहाँ जा रहा हूँ अपने चाचा के यहाँ राजनगर। वहाँ मेरे भाई जो है बुला रहा है, 2 दिन से मैं वहाँ गया नहीं हूँ,
तो आज वहां पे होके आना है मुझे। तो गेहूं का कट्टा इस पर रख लिया मैंने स्कूटी पे, और वैसे स्कूटी का इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा फायदा लगता है कि इस पर कुछ भी मतलब ले जाना लाना हो, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी चीज़ सब कुछ आ जाती है इस पर। अब मैं जाता हूँ जल्दी से पहले चक्की पे, उसके बाद डेयरी पे, फिर घर। इस चक्की पर तो पहुँच गया हूँ मैं, तो अब डेयरी पर आया हूँ। यहाँ से जल्दी से पनीर लेके फिर चलता हूँ मैं घर। पनीर कर देना भैया। तो पनीर में ले आया हूँ, अब जल्दी से इसको कुछ बनवाता हूँ या फिर इसे ऐसे खा लूँगा। तो गाइस मैं पनीर इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि शाम को मैं खाना नहीं खाता, बहुत रेयर होता है जब मैं कोई मतलब इमरजेंसी होती है तभी खाना खाता हूँ, वरना मैं तो शाम को अंडे या ऑमलेट और या फिर पनीर, इन तीनों चीज़ों के अलावा मैं कुछ नहीं खाता। क्योंकि यार जब से मतलब थोड़ा फिटनेस पर ध्यान देने लगा हूँ ना, तो ये तीन चीज़ें शाम के टाइम ये तीन चीज़ें खाता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं शाम को खाना तो दूर कुछ और ही खाते हैं। हाँ क्या खा रही है तू? पास्ता। तो गाइस ये मतलब ये जो है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शाम को मतलब पास्ता वगैरह, मैगी हो गई, पास्ता हो गया, कुछ ऐसी उल्टा सीधा जो खाना खाते हैं ना वो खराब कर रहे हैं बस अपने। और मम्मी लेके भी आ गई हैं, बस सिंपल और कुछ नहीं करवाता इसमें, मैं इस तरह खाता हूँ। तो पनीर वनीर खा लिया है, अब मैं जल्दी से चाचा के वहाँ जा रहा हूँ राजनगर कॉलोनी में। वैसे राजनगर कॉलोनी हमारे यहाँ से ज़्यादा ऐसी पड़ती होगी, आधा किलोमीटर पड़ती होगी, मैं वहीं जा रहा हूँ अभी। तो जाने से पहले मम्मी कह रही है कि सर पे टॉपर रख ले क्योंकि ठंड पड़ गई है थोड़ी सी, इसलिए मैंने फैन मिली। चके यहाँ आ गया हूँ मैं, अब अंदर चलता हूँ। बहुत दिनों के बाद आया हूँ, कम से कम दो दिन हो गए मुझे यहाँ पे, अब देखते हैं। बाबे नमस्ते, बेबी नमस्ते, पापा नहीं आए अभी, और ठीक ठाक सब? चार दिन में यार, दो ही दिन में तो आया हूँ, चार दिन बाबे, चार दिन में आया हूँ मैं। जैसे पहले पैर रखी थे तुझे, बाँध रखा हो कई दिन से, आए ना आएंगे तो बस वैसे टाइम ना मिल रहा। तो पापा नोएडा गए थे और जस्ट अभी यहाँ चाचा के यहीं आ गए हैं डायरेक्ट। चलो गाइस रात के 11 बज गए हैं और यहाँ बात करने में पता नहीं लगा टाइम का। अब पापा तो चले गए हैं यहाँ से, अब मैं जा रहा हूँ, बेबी मुझे डांट रही है कि चल अपने घर को ठंड में। अब देखता हूँ यार ठंड तो लगेगी, वैसे ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं है, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा, 2 मिनट का रास्ता है बस, जा रहा हूँ मैं। बेबी नमस्ते। तो जस्ट अभी घर आया हूँ और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का, और फटाफट दूध लेके मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो आज पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद फाइनली अब रूम में एंट्री हो चुकी है मेरी। यार नींद बहुत आ रही है आज क्योंकि सुबह 5 बजे को उठा हूँ, तो एक मन तो है कि एडिटिंग करूं और पर आंख जवाब दे रही है यार, नींद आ रही है बहुत। देखते हैं अगर जितनी एडिटिंग अब हो पाएगी मैं उतनी एडिटिंग अब कर लूंगा, और बाकी सुबह को 5 या 6 बजे उठने के बाद तो 9 या 10 बजे के लगभग आपको व्लॉग देखने को मिल जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय।